एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कम बजट में एक अच्छा समर के लिए स्क्रब ढूंढ रहे हो ना, तो ये हिमालय का टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि समर्स हो या विंटर्स हो, टैनिंग की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है, चाहे मेंस है या वुमेन्स है, तो सभी को टैनिंग की प्रॉब्लम रहती ही है। तो अगर आप कम बजट में एक अच्छा फेस स्क्रब ढूंढ रहे हैं तो ये वाला स्क्रब जो है बहुत ही बेस्ट है। चाहे समर्स हो या विंटर्स हो, तो हमें हर 15 दिन में एक या दो बार स्क्रब को जरूर यूज करना चाहिए। स्क्रब से आपकी स्किन पर जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है। अच्छे से आपकी स्किन को क्लींस करता है, डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को, और साथ ही साथ आपके फेस पर जो भी टैनिंग की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये दूर करता है। तो काफी अच्छा फेस स्क्रब है गाइस, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इसे पहले भी यूज किया है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाय द वे, अगर आपको ये नॉइज आ रही है ना बैकग्राउंड में, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, चिड़ियों की चहचहाहट है ये, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। सो पैकेजिंग आप देख सकते हो दोस्तों, पैकेजिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। ट्यूब पैकेजिंग में ही आता है और इसके ऊपर ऑरेंज भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया है कि ये ऑरेंज फेस स्क्रब है, तो ऑरेंज भी इसके ऊपर बना हुआ है। ये है टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब, रिमूव टैन, जेंटली स्क्रब अवे टैन स्किन सेल्स, रिवील्स ग्लोइंग स्किन। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो, ये है 50 ग्राम की क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। प्राइस की मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो ये मुझे मिला था 75 रुपीस में। शेल्फ लाइफ की मैं अगर बात करूं तो ये आपका आराम से चल जाएगा 2023 तक। जी हाँ, शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, 3 साल आपकी आराम से ये चल जाएगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है। व्हाइट और ग्रीन कलर की ट्यूब पैकेजिंग में आता है। ग्रीन कलर की इसकी लिड है, ये फ्लिप लिड है, इस तरीके से ओपन हो जाता है और इस तरीके से ये अच्छे से लॉक हो जाता है। काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। इजिली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, ये लिक्विडी नहीं होता है, आराम से आप इसे सफर में भी यूज कर सकते हो। स्क्रब काफी ज्यादा अच्छा है और इसे मैंने एक से दो बार यूज किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट लगे हैं। तो जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसी का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसका भी रिव्यू शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस चीज में कौन सी कमियां हैं और कौन सी खूबियां हैं। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को गीला कर लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहां पर कर रही हूं यूज, क्योंकि स्क्रब कभी भी ड्राई फेस पर नहीं करना चाहिए, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है। इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप स्क्रब यूज करें तो पहले अपने फेस को गीला कर लीजिए, उसके बाद आपने इस प्रोडक्ट को लेना है अपने हाथों पर और इस तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से आपने मसाज करनी है, जैसे कि मैं यहां पर कर रही हूं। और जैसा कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि इसमें है ऑरेंज पील ओटमील, तो इसमें ऑरेंज पील पाउडर आपकी त्वचा की रंगत को निखारने का भी काम करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसे ये रिमूव करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके टैन को भी ये रिमूव करता है। तो ऑरेंज पील बहुत ही अच्छा एक इंग्रीडियंट होता है हमारी स्किन के लिए। ओटमील आपकी त्वचा की गहराई से सफाई करता है और जितनी भी गंदगी आपकी स्किन में जमा होती है उसे ये दूर करता है और अच्छे से खींच कर निकालता है आपकी स्किन से ये गंदगी को, और आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा निखार देता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो सभी इंग्रेडिएंट इसमें जो भी यूज किए गए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए। बेझिझक होकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टीनेजर भी इस प्रोडक्ट का बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनेजर की स्किन के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है ये। जेंटली आपने इसे स्क्रब करना है और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे ऑरेंज की खुशबू होती है ना, बिल्कुल वैसी ही इसकी खुशबू है। सो 2 से 3 मिनट तक आपने इसे जेंटली स्क्रब करना है अपने फेस पर, अच्छे से मसाज करनी है और आप देखेंगे गाइस कि आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। साथ ही साथ एक चीज और बता देती हूँ आपको दोस्तों कि ये स्क्रब समर्स के लिए भी बेस्ट है और विंटर्स के लिए भी बेस्ट स्क्रब है। आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन का यूज किया गया है। इसके इंग्रेडिएंट में ग्लिसरीन भी शामिल है जो कि आपकी स्किन को नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है और आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाती है। तो सभी इंग्रेडिएंट इसमें बहुत ही अच्छे यूज किए गए हैं जो कि आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएंगे, आपकी स्किन से जितनी भी गंदगी है उसे खींच निकालेंगे, आपकी जो अंदर की स्किन है वो निकल कर आएगी, बहुत ही ग्लोई बनाता है आपके फेस को। तो काफी अच्छा स्क्रब है दोस्तों, एक बार से जरूर इस्तेमाल। एंड में आपको जाते जाते कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आपने बोला था कि मैं DIY फेस पैक और फेस स्क्रब शेयर करूं, तो गाइज मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे DIY स्क्रब, DIY फेस पैक और टैन रिमूवल फेस पैक भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, DIY टैन रिमूवल फेस पैक भी आपको मिल जाएगा, तो मेरे नाम से अगर आप सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर 400+ वीडियोज देख सकते हैं, तो प्लीज गाइज मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी।
और दोस्तों आप मेरे चैनल पर स्किन केयर, हेयर केयर, डीआईवाई, फेस पैक, फेस स्क्रब और बहुत सारे हिना से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैंने सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले भी हिमालय के काफी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में भी आप देख पाएंगे हिमालय के अलग से मैं वीडियोस के लिंक दे दूंगी आपको, तो आप चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों एंड में एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आप घर पर ही रहती हैं तो आप इस स्क्रब को 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाती हैं, अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप वीक में दो बार भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप घर पर ही रहती हैं तो 15 दिन में एक बार स्क्रब जरूर कीजिएगा अपनी स्किन पर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।